योर क्लास फोर्थ ऑफ EVS, टेक आउट योर EVS बुक, ओपन लेसन नंबर 7, पेज नंबर 59. एंड अवर टुडे टॉपिक इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर नॉट ओनली डिवेस्टनिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. वाटर पॉल्यूशन के जो इफेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स पर नहीं होते बट ऑल्सो एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स और प्लांट्स पर भी इसके इफेक्ट्स होते हैं. पॉल्यूटेड वाटर इज़ अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल अनसुटेबल होता है, सही नहीं होता है. रिक्रिएशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, इन सब जो पॉल्यूटेड वाटर किससे होता है, ये इन सब से होता है. ठीक है, इट लीड्स टू वाटर बॉर्न डिजीज. इसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड होने की वजह से डिजीज होती है. किस तरह की? जो कि अफेक्ट करती है हार्ट. लीड्स टू प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हार्ट की जो डिजीज होती है उससे हो जाती है पॉल्यूटेड वाटर की वजह से. और ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ख़राब हो जाता है. नर्वस सिस्टम सही काम नहीं करता है. स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है. कोलेरा, डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती है. एंड मैनी मोर प्रॉब्लम्स, और भी इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से. एज पर द रिकॉर्ड्स, अबाउट 40,000 पीपल डाई और सफर फॉर द वेरियस वाटर बॉर्न डिजीज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एवरी ईयर. हर साल जो हम ये कह सकते हैं इस तरह का गंदा पानी पीने की वजह से, है ना, पॉल्यूटेड वाटर की ड्रिंकिंग की वजह से 14,000 लोग जो हैं वो बीमार हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है. इस तरह की वाटर बॉर्न डिजीज उनको हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम एक्वेटिक लाइफ. अब एक्वेटिक लाइफ क्या होती है? पानी का जो जीवन है, मतलब ओशन में जो ओशन रिवर्स में जो लाइफ होती है ना, जिन जीव जंतुओं की, प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो कैसे इफेक्ट होती है पॉल्यूटेड वाटर से. द फ्लोरा एंड फोना ऑफ रिवर्स, ये क्या है? वनस्पति है, मतलब कि उसमें वाटर में जिस तरह का जो प्लांट्स होते हैं वो. ठीक है, सीज एंड ओशंस ऑल्सो गेट अफेक्टेड एडवर्सली वाटर पॉल्यूशन. ये भी उससे अफेक्टेड होते हैं वाटर पॉल्यूशन से, ये भी अफेक्टेड होते हैं. मैरिन लाइफ डिट्रियट्स ड्यू टू द पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो समुद्री जीवन है वो भी इफेक्टेड होता है, वो भी कम होता जा रहा है. समटाइम्स एनिमल्स गेट एंटेंगल्ड इन ट्रेश लाइन इन अदर इन ओशन लैक्स एंड स्ट्रीम्स विच मे कॉज ड्रोनिंग. इनमें कई बार क्या होता है, एनिमल्स के बीच में इस तरह की चीज़ें फंस जाती है जो वाटर को पॉल्यूट करती है. ठीक है, जिसकी वजह से ये जो हैं जीव जो हैं वो डूब जाते हैं. इनको चलने में मुश्किल होती है पानी में, और अपना फूड ये सर्च नहीं कर पाते हैं, और जो शिकारी होते हैं उनकी पकड़ में ये ईजीली आ जाते हैं. विच मे लीड्स टू द डेथ, जिनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है. एनिमल्स लाइक सी, एनिमल्स जो होते हैं सी में, जैसे टर्टल एंड फिश, ऑफन मिस्टेक ट्रेश आइटम फॉर फूड. इनको इजीली फंसा लिया जाता है फूड आइटम्स के लिए. दे ईट द आइटम लाइक प्लास्टिक बैग्स. ये प्लास्टिक बैग्स, ये आइटम्स जो हैं ये फूड के बीच में फंस जाते हैं, है ना. और ये आइटम्स होते हैं जैसे प्लास्टिक बैग हुए, बलून्स हुए, ये फिर इनके डाइजेशन में इनको प्रॉब्लम करते हैं, और इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है. ड्यू टू द पॉल्यूटेड वाटर, इस पॉल्यूटेड वाटर की वजह से एनिमल्स डोंट गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक. इनको पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं मिल पाता. दे डोंट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर टू ब्रीथ विच हार्म्स डियर हेल्थ बैडली. और इनको वाटर से प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाते, जिनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है. अब हम देखेंगे एक्टिविटी टाइम इज देयर. यस, वेज टू कीप द वाटर क्लीन, वाटर को क्लीन रखने के तरीके. यस, वी मस्ट बॉयल एंड फिल्टर द वाटर टू किल जर्म्स इन इट. हमें वाटर को बॉयल करना चाहिए या फिल्टर करना चाहिए ताकि उसमें जो जर्म्स हैं वो उनको हम किल कर सकें. वाटर प्योरीफायर्स शुड बी इंस्टॉल्ड. वाटर प्योरीफायर्स जो है उनको स्थापित किया जाना चाहिए. एंड द वाटर कंटेंट शुड बी कैप्ट कवर्ड. और जो पानी हम रखते हैं पीने के लिए उसे भी कवर रखना चाहिए, चाहे वो पीने के लिए या अदर यूजेस के लिए हम करते हों, उनको भी कवर रखना चाहिए. ठीक है, डोंट थ्रो पेंट्स ऑयल और अदर फॉर्म्स और लिटर डाउन द ड्रेन. जो पेंट्स हैं, ऑयल है, इन सबको ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए. ठीक है, यूज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करो जो एनवायरमेंट के फ्रेंड हो. ठीक है, सच एज वॉशिंग पाउडर, हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट एंड टॉयलेटरीज. इन सब का यूज़ करो,
करते हैं जैसे हम, ठीक है, डोंट ओवर यूज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादातर ना करें एंड ट्राई टू नेचुरल एनवायरनमेंट, यूज़ किसका करना चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट का। डिस्पोज द हाउस होल्ड केमिकल प्रॉपरली एंड वाइजली, हाउस होल्ड घर से जो कचरा निकलता है, जो केमिकल्स निकलते हैं, उनको डिस्पोज अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सरसाइज में, और उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। वाटर इज होम फॉर मैनी, वाटर किस किस का, वाटर इज होम फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट फर्टिलाइजर केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स कैन कॉज ई, ई से मैच करेंगे इसको, वाटर पॉल्यूशन। इसके बाद है कंजप्शन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर लीड्स टू वाटर बॉर्न डिजीज, ओके, यस। इसके बाद है वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय, किससे हम प्योरीफाई कर सकते हैं वाटर को, यस टेल मी, वी कैन वाटर बाय डी, तो वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय बॉइलिंग, ओके एफ। इसके बाद है ओल्ड एंड पॉपुलर मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इज वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ इज वाटर। नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स, लेस देन 1% ऑफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ कैन बी यूज बाई पीपल, ट्रू। प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, फॉल्स। लिटरिंग डंपिंग ऑफ वेस्ट इन टू वाटर फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड्स आर कॉज्ड ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ, मैरिन लाइफ इज नॉट अफेक्टेड वाटर पॉल्यूशन, फॉल्स, क्योंकि अफेक्टेड होती है। वी शुड कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर यूज़, यस हम इसको कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, तो ट्रू। वी शुड यूज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए क्लीनिंग के लिए, सो यस ट्रू। वी मस्ट थ्रो लिटर इन टू रिवर्स, हमें वो जो गार्बेज है वो ओशियंस और रिवर्स में थ्रो करना चाहिए, नो, तो फॉल्स। इसके बाद आपको यहाँ देखना है कि कौन सी चीज़ें वाटर को पॉल्यूट करती हैं या प्योरीफाई करती हैं, जैसे बॉइलिंग का फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, तो ये वाटर को प्योरीफाई करता है, तो आपको यहाँ पे प्योरीफाई लिखना है। और जो चीज़ें वाटर को पॉल्यूट करती है, तो जैसे ये पॉल्यूट करती है तो इसको पॉल्यूट, है ना, इस तरह से आपको ये आपको खुद को करनी है ये एक्टिविटी, क्योंकि आप ये पूरा चैप्टर को अच्छी तरह समझ गए हैं। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, यस इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, देर शुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर। नेक्स्ट इज वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, वाटर हेल्प अस टू क्लीन अवर फ्लशिंग। नेक्स्ट फिफ्थ, वाटर पॉल्यूशन इज मिक्सिंग ऑफ एनी अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज इन वाटर। सिक्स, अवॉइड बॉडी द टॉयलेट, अवॉइड बॉडी द टॉयलेट अननेसेसरी, अवॉइड फ्लश आएगा यहाँ पे, ये फ्लश होगा एफ एल यू एस एच, ओके। और ये जो है ना यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे हमने फ्लशिंग, वाटर हेल्प्स अस टू क्लीन अवर बॉडी आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको बॉडी करना है और वहाँ पे आपको फ्लशिंग करना है, ओके। यहाँ पे वाटर हेल्प्स अस टू क्लीन अवर बॉडी और यहाँ पे करना है आपको फ्लशिंग, अवॉइड बॉडी, अवॉइड फ्लशिंग द टॉयलेट, ओके, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद हम देखेंगे, यस क्वेश्चन आंसर्स, मैनी मेंशन एनी थ्री यूजेस ऑफ वाटर इन आवर होम्स, थ्री यूजेस ऑफ वाटर इन आवर होम्स, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, फॉर कुकिंग फूड। इसके बाद है वाटर इज रेन हार्वेस्ट, वॉट इज रेन हार्वेस्टिंग, रेन हार्वेस्टिंग क्या है, रेन हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग। रेन हार्वेस्टिंग क्या है, एक मेथड है वाटर को कलेक्ट करके और उसको स्टोर करने का, कहाँ पे वाटर को कलेक्ट किया जाएगा, बिल्डिंग की रूफ पर, और स्टोर किया जाएगा अंडरग्राउंड लेटर, ठीक है। इसके बाद है इट इज़ डन टू कंजर्व, और ये क्यों किया जाता है, वाटर को कंजर्व करने के लिए, ताकि ये फ्यूचर यूज़ इसका हम कर सके। वॉट इज़ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन इज मिक्सिंग ऑफ एनी अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। वाटर पॉल्यूशन क्या है कि अनवांटेड चीज़ें जो हैं वो अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हैं इसमें मिक्स हो जाते हैं, लाइक जैसे रिवर्स में, स्ट्रीम में, ओशियंस में। इसके बाद है मेंशन एनी टू वेज इन विच वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ,
ऐसे टू वेज बताने हैं जिसमें ह्यूमन लाइफ को भी अफेक्ट करता है वाटर पॉल्यूशन और एक्वाटिक लाइफ को भी। तो पहले हम फर्स्ट टू जो अफेक्ट्स देखेंगे ह्यूमंस के लिए देखेंगे। पॉल्यूटेड वाटर इज अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। पॉल्यूटेड वाटर जो होता है वो ड्रिंकिंग के लिए अनसुटेबल है। इट लीड्स टू वाटर बॉर्न डिजीज, की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज होती है, स्किन प्रॉब्लम्स, कॉलरा, डायरिया एट्सेट्रा। वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ, और वाटर पॉल्यूशन जो है एक्वेटिक लाइफ को भी अफेक्ट करता है। कैसे? मैरिन लाइफ डिट्रेंट्स ड्यू टू द वाटर पॉल्यूशन। जो समुद्री जीवन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, किसकी वजह से? वाटर पॉल्यूशन की वजह से। ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर एनिमल डोंट गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक। पॉल्यूटेड वाटर की वजह से एनिमल्स को क्लीन वाटर नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद है मेंशन एनी थ्री कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन बाय फैक्ट्रीज। आपको ऐसे थ्री कॉजेज बताने हैं जो फैक्ट्रीज की वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। देखो, हार्मफुल स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज मिक्सड इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में जो हार्मफुल स्मोक होता है वो मिक्स हो जाता है। उसके बाद है डंपिंग ऑफ वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज इनटू द रिवर्स। रिवर्स में उनकी डंपिंग की जाती है वेस्ट की। उसके बाद है हार्मफुल मेटल्स एंड प्लास्टिक थिंग्स आर थ्रोन बाय फैक्ट्रीज नियर द रिवर। जो भी हार्मफुल प्लास्टिक थिंग्स निकलती है, मेटल्स निकलती है, उसे रिवर्स के नियर ही उनको फेंक दिया जाता है। उसकी वजह से वो सब्सटेंसेस रिवर में मिक्स हो जाते हैं और वाटर को पॉल्यूटेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस चैप्टर। यू हैव टू यस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। हैव ए नाइस डे, बाय।